तो मूवी की शुरुआत होती है 1991 के इराक में, जहां अमेरिकन फोर्स एक इम्पोर्टेंट बैटल लड़ रही थी। तब इस बैटल में ये माइल्स अपने कुछ टीममेट के साथ एक बिल्डिंग को कवर कर रहा था, जहां पर इनके दुश्मन इन पर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन तभी बदकिस्मती से इनके कैप्टन के गर्दन में एक गोली लग गई, जिसके बाद उन्होंने माइल्स की बाहों में ही दम तोड़ दिया, जिसके तोड़ते ही यहाँ अचानक से एक धमाका हुआ और तभी माइल्स यहाँ से दूसरी तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो एक पहाड़ी पर चढ़ा तो तभी उसके पेट में एक गोली लगी, जिसके बाद वो गिर गया। जहाँ से जब उसने आसमान में देखा तो उसे कुछ उड़ता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई अजीब सा एयरक्राफ्ट, और वो उसके इतने पास आ गया कि तभी माइल्स यहाँ पे चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो काफी दर्द के साथ एक रूम में उठा, जिस रूम में ना तो कोई खिड़की ना दरवाजा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये एक डब्बे जैसा रूम था। तब उसे काफी ब्लीडिंग भी हो रही थी, इसलिए उसने पहले तो हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो खुद ही अपनी इमरजेंसी सप्लाई से अपने घाव को ठीक करने लगा। जिसके बाद उसने अपना रेडियो चेक किया तो वो भी अभी काम नहीं कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक दीवार पर अबेंडन लिखा है, जो कि पहले नहीं लिखा था, इसलिए वो फिर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन तभी यहाँ अबेंडन के साथ साथ और भी कुछ लिखकर आने लगा, जो देखकर माइल्स काफी कंफ्यूज हुआ। तो तभी उसे बहुत गर्मी लगने लगी, जिसकी वजह से उसने अपना बैकपैक और कपड़े वगैरह सब उतार दिए। तो तभी उसे रियलाइज हुआ कि इस रूम का टेम्परेचर अचानक से काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से माइल्स को काफी पसीना भी आने लगा, और वो इतना पसीने में था कि भाई साहब उसका पसीना भी उबल कर उड़ने लगा। ये दिल्ली तो नहीं है। खैर, तभी वो जमीन पर गिर पड़ा, जहाँ उसे काफी तगड़ा वाला दर्द हो रहा था, जिस दर्द की वजह से वो दोबारा बेहोश हो गया। अब कुछ ही देर बाद जब वो दोबारा उठा तो अब रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था, जो देखकर उसने थोड़ा पानी पिया। लेकिन तभी ये रूम वॉशिंग मशीन की तरह घूमने लगा, जहाँ ये रूम माइल्स को इधर से उधर पटक रहा था, और इसकी वजह से ही वो बेचारा काफी चोटिल भी होने लगा। तब कुछ उठा पटक के बाद ये रूम रुक गया, जिसके बाद माइल्स ने नोटिस किया कि इस रूम की शेप बदल चुकी है। साथ ही वो उठकर मैसेज पढ़ने लगा, जो कि पहले तो ऊपर लिखा था, लेकिन अब वो दीवार उसका फ्लोर बन चुकी है। साथ ही यहाँ बहुत कुछ भी अजीब महसूस हुआ, क्योंकि माइल्स की कुछ चीजें ऊपर छत पर ही रह गई थी, जिसका मतलब कि इस रूम की दीवार की अपनी ग्रेविटी है, मतलब चारों दीवार की अपनी अपनी ग्रेविटी, जो देखकर माइल्स और भी डर गया। जिसके बाद वो फिर से अपने यूनिट से कॉन्टेक्ट करने लगा, लेकिन उसे अपने सैटेलाइट का फोन नंबर याद नहीं था, और उसी के साथ उसका फोन भी छत पर था, इसलिए वो दूरबीन की मदद से अपने फोन के पीछे लिखे नंबर को जमीन पर लिखने लगा। और ठीक उसी समय उसे कॉल भी आई, तब उसे लगा कि ये कॉल उसकी यूनिट वाले की होगी, तो इसलिए वो उछल उछल कर उस फोन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा, क्योंकि उसके पैर में एक गोली लगी हुई थी, इसलिए तब उसने दिमाग लगाकर अपने जूते की मदद से फोन को लेने की ट्राई किया। लेकिन उसका जूता भी ऊपर वाली दीवार के कॉन्टेक्ट में आते ही उसकी ग्रेविटी की वजह से ऊपर चला गया, जो देखकर माइल्स कुछ कर पाता कि तभी यहाँ दीवारों पर बर्फ जमने लगी, यानी अब इस रूम का टेम्परेचर बहुत लो होने वाला था, जैसे पहले हाई हुआ तो अब लो होगा। तब माइल्स के पास इस ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक शर्ट ही थी, मगर ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके फेस का पसीना भी जमने लगा, जिसकी वजह से माइल्स इस ठंड की वजह से यहीं बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद जब उसे दोबारा होश आया तो इस रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था, और तभी उसे अपने फोन पर फिर से कॉल आई, मगर साथ ही ये रूम भी घूमने लगा। तो माइल्स काफी चोटें खाने के बाद भी
अपनी एक ऐसी पोजीशन में आ गया जहां उसने जैसे तैसे इस फोन को पकड़ लिया। तब उसने कॉल रिसीव करी तो दूसरी तरफ से एक लड़की उससे मदद के लिए चिल्ला रही थी, जो माइल से बोली कि प्लीज मेरी लोकेशन को ट्रैक करके मुझे बचाने आ जाओ। जिस पर माइल ने उसे बताया कि वो भी किसी जगह पर फंसा हुआ है। तब कुछ देर तक बात करने पर इन्हें पता चला कि ये दोनों एक ही जैसी जगह पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ भी सेम वैसा ही हो रहा था जैसा माइल्स के साथ हुआ, मतलब रूम का गर्म होना, ठंडा होना और घूमना। साथ ही यह गौर करने वाली बात ये थी कि इस रूम में लाइट तो थी मगर उसका कोई सोर्स नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था कि कोई 100 वाट का बल्ब जला दिया, समझ रहे हो, मतलब लाइट है लेकिन कोई सोर्स नहीं है। तभी इन्होंने नोट किया कि इस रूम के सेंटर से लाइट आ रही है मगर उसका कोई सोर्स दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब ये रूम किसी खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तभी उस लड़की ने अपना नाम डेम्सी बताया, जिसके बाद वो और माइल्स काफी देर तक इस रूम को लेकर बातें करने लगे, जिसमें सच बताऊं तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया। लेकिन तभी अचानक इस रूम की सभी दीवारों की ग्रेविटी काफी बढ़ गई, जिससे कि माइल्स हवा में लटक गया और उसके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा, मतलब ये कहो कि भाई की बिना प्रेशर लगाए स्ट्रेचिंग हो रही थी, फुल आंतड़ियां वातड़ियां खिचड़िया भैया की। खैर तभी वो इस फोन की आ रही आवाजों से समझ गया कि ये सब डेम्सी के साथ भी हो रहा है, मतलब इनके साथ जो भी चीजें हो रही है वो एक साथ हो रही है, जिसकी वजह से माइल्स इन सारे इवेंट का टाइम अपनी वॉच पर नोट करने लगा, ताकि शायद आगे जाकर उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये टाइमिंग मदद करे। तभी कुछ देर बाद इनकी दोबारा से वही बातें शुरू हुई, जिसके बाद फिर से रूम में चेंजेस आने लगे, लेकिन इस बार रूम घूमने की बजाय श्रिंक होने लगा, यानी कि दीवारें आपस में पास आ रही थी, मतलब रूम छोटा हो रहा था, जो देखकर माइल्स की हालत खराब होने लगी, क्योंकि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि उसे कम स्पेस में सांस नहीं आता था। तब उसे डेम्सी शांत कराने लगी और जिसके बाद ये दोनों फिर से बातें करने लगे। तब इन दोनों को ही रूम की दीवारों पर लिखे साइन और मैसेजेस नजर आ रहे थे, यानी जो चीज माइल्स को दिखाई दे रही थी वो हूबहू डेम्सी को भी नजर आ रही है, यानी कि ये है तो एक ही रूम में लेकिन वो रूम 4-डाइमेंशनल है, जिसका मतलब मुझे ठीक से कुछ नहीं पता, बस इतना समझ लो कि ये दोनों सेम टाइम पे रूम में है लेकिन अलग अलग डायमेंशन में। खैर तभी माइल्स को एक कॉल आई, जिस पर एक आदमी उसे पोर्चुगीज में कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए मरना होगा, और उसके ये कहते ही कॉल कट हो गई, जिसके बाद उसे फिर से डेम्सी की कॉल आई, लेकिन इस बार माइल्स ने उसे उस आदमी के बारे में नहीं बताया, जिसके बाद इनकी बातों में माइक को यहाँ पर स्पेनिश में दीवार पर एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखा, जिसके आगे 2007 लिखा था, जिस पर वो डेम्सी को बताने लगा कि शायद ये हमारे साथ माइंड गेम कर रहे हैं, क्योंकि ये डेट तो फ्यूचर में आने वाली है। तब ये सुनकर डेम्सी ने जोर जोर से हंसते हुए माइल्स से आज की डेट पूछी, जिस पर माइल्स ने बताया कि आज 14 फरवरी 1991 है। तब ये सुनकर डेम्सी और भी हंसने लगी, जहां वो बोली कि पागल ये 2020 है, जो सुनते ही माइल्स शॉक हो गया, क्योंकि अभी तक इन्हें ये पता ही नहीं था कि ये दोनों अलग अलग टाइम के आदमी हैं, इसलिए इन दोनों को ही लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह सीरियस थे। तभी यहाँ पर तेज तेज आवाजें आने लगी, जिससे कि माइल्स और डेम्सी को अपने कान में काफी तेज पेन फील होने लगा। ये अनु मलिक को किसने खुला छोड़ दिया यार। खैर तब इस टॉर्चर की वजह से माइल्स और डेम्सी के कानों में खून आने लगा, जिसके बाद ये दोनों दोबारा से बेहोश हो गए, और अब की बार ये दोनों समझ गए कि ये रूम कोई आम रूम नहीं है, बल्कि ये सच में पास्ट और फ्यूचर में से एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें काफी टाइम का फर्क होने के बाद भी जब ये लोग इस दीवार पर कुछ भी बनाते हैं तो उस चीज को डेम्सी भी देख लेती है, और जो डेम्सी बनाती है वो माइल्स भी देख लेता है,
जो चीज इस रूम की स्पेशल टेक्नोलॉजी को दर्शाती है। जहाँ ना जाने कितने लोग एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे और वो भी कितने ही डिफरेंट जोन से। जहाँ डैम्सी ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि वो एक मैथ की टीचर होने के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी थी, क्योंकि मैथ के टीचर तो हमारे स्कूलों में भी होते हैं, लेकिन उन्हें ये सब खैर जाने दो। तभी माइल्स इस दीवार पर बनी सारे आकृतियों को समझने लगा, जिसके बाद उसे यहाँ एक मैथ की इक्वेशन मिली जिसे वो फ्लोर पर लिखने लगा। तो डैम्सी ने उसे बताया कि ये इक्वेशन एक बहुत पुराने मैथमेटिशियन की है और ये बिल्कुल हमारी सिचुएशन से मैच करती है। जिसके बाद वो दोनों उसे सॉल्व करने की कोशिश कर ही रहे थे, क्योंकि ये इक्वेशन उन्हें बाहर से निकालने का रास्ता बता सकती थी। मगर तभी उस इक्वेशन को कोई रिमूव करने लगा, क्योंकि जो भी इस रूम को कंट्रोल कर रहा था वो नहीं चाहता था कि ये लोग उसे सॉल्व करें। जिसके बाद यहाँ की ग्रेविटी दोबारा अचानक से बढ़ने लगी और ये फोर्स इतनी ज्यादा थी कि माइल्स के घाव से गोली बाहर आ गई और वो जमीन के साथ ऐसे चिपक गया जैसे मेरी किस्मत के साथ बैड लक। खैर अब ये इवेंट पहले से भी बहुत तेज होने लगे थे, क्योंकि रूम का साइज इवेंट के टाइम पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये दोनों ये भी समझने लगे कि ये सब किसी इंसान के द्वारा नहीं किया जा रहा। तब माइल्स चाहता था कि डैम्सी उस इक्वेशन को अपने दिमाग में सॉल्व करे, जिसमें वो भी उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि इनके निकलने का सिर्फ एक ये ही रास्ता बचा था। लेकिन तब इन दोनों को अपने पास्ट के ट्रॉमा याद आने लगे, क्योंकि जो भी इस रूम को कंट्रोल कर रहा था वो नहीं चाहता था कि इस इक्वेशन पर फोकस कर पाए, इसलिए उसने इन दोनों के पास्ट के ट्रॉमा चला दिए ताकि ये दोनों सैड होकर साइड में बैठ जाए। जिस प्लान को माइल समझ गया कि ये लोग हमें गिव अप करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हार मान ले। मगर फिर उसने डिसाइड किया कि वो इन्हें हरा कर दम लेगा, जिसके बाद ये रूम और भी ज्यादा छोटा होने लगा। मान लो एकदम कबर की तरह, कि अगर अब ये थोड़ा और छोटा हुआ तो पक्का ये दोनों मर जाएंगे। इसलिए उसने डैम्सी से उस इक्वेशन का आंसर पूछा, तो डैम्सी ने बताया कि इस इक्वेशन का आंसर है 1, जो सुनकर माइल्स बोला कि शायद हम दोनों में से कोई एक ही बार निकल सकता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि शायद इन्हें एक साथ मिलकर इस रूम से जीतना होगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएंगे। इसलिए जैसे ही ये रूम दोबारा से श्रिंक होने लगा, तो तभी इन दोनों ने एक साइड से एक जगह फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वो रूम यहीं टूट गया। और तब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, जहाँ इनके साथ और भी लोग थे जो अलग अलग देशों और टाइमलाइन से आए थे। मतलब इन दोनों ने उन एलियंस को हरा दिया, जिसके बाद सभी लोग गायब हो गए। और माइल्स की भी आंख दोबारा खुली तो उसने खुद को उसी इराक वाली बैटल पर पाया, जहां पर सारे के सारे US मिलिट्री के सोल्जर थे, जो कि किसी चीज को देखकर घबरा रहे थे, और उनके पास एक इराकी लड़की भी थी। और वही हम माइल्स के पीछे एक आदमी को भी देखते हैं, जो कि मोबाइल से फोटो ले रहा था, जिसका मतलब कि माइल्स 2020 में आ चुका है। और तभी ये मूवी भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, इस मूवी में क्लियर कट तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जैसा मैंने दिमाग लगाया है कि शायद इन लोगों को कुछ एलियंस ने पकड़ा होगा, जो कि ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, कि आखिर में ये लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे या फिर एक दूसरे से लड़ते लड़ते ही मर जाएंगे। एज पर माई थ्योरी मुझे यही सही लग रही है। बाकी आपको जो सही लग रहा हो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।